ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां अमरोहा जनपद के हसनपुर में तैनात उप जिलाधिकारी विजय शंकर सिंह ने दरियादिली दिखाते हुए ब्लॉक सभागार के सामने झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने वाले 27 नौनिहालों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उनको अपने खर्चे पर स्कूल बैग, ड्रेस, स्वेटर, जूते, मोजे आदि शिक्षा का सामान दिलाकर शिक्षा की मुहिम शुरू की है। बता दें कि जनपद के हसनपुर उप जिलाधिकारी विजय शंकर का कहना है कि शिक्षा हर आदमी के लिए जरूरी है, हर बच्चे को शिक्षित होना चाहिए। जब उन्हें पता लगा कि ब्लॉक सभागार के सामने झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने वाले कुछ लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो उसके बाद वे सभी बच्चों से मिले और उनको शिक्षा लेने के लिए प्रेरित किया और उसके साथ ही उनको शिक्षा के संबंध में जरूरी सामान वितरित किया गया। उनका कहना है कि आप सभी लोग भी इस तरीके की मुहिम में अपना योगदान दें और जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों की जानकारी मुझे भी दे सकते हैं, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ब्लॉक हसनपुर के द्वार पर कुछ झुग्गी झोपड़ियों में लोग निवासरत हैं, जिनके बच्चे, जिनकी उम्र पढ़ाई की योग्य हो गई है, परंतु किसी कारणवश वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को मैं देख करके मेरे मन में विचार आया कि इनको स्कूल भेजा जाए और उनको स्कूल भेजने के लिए उनका नाम स्कूल में लिखवाया गया है, उनकी पढ़ाई के लिए बैग, जूते, पुस्तकें आदि दी गई हैं और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जहां भी मिलें, मीडिया के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से उनके परिवार को प्रेरित किया जाए कि वो स्कूल जाएं और शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करना ही करके आदमी कुछ बन सकता है। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।